साथियों, इनकी सोच क्या है, किस सोच के साथ ये लोग सरकार चला रहे हैं, ये इनकी बातों से लगातार झलक रहा है। मैं कल मीडिया में देख रहा था, दोस्तों आपका प्यार मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे बोलने दीजिए तो मैं बोलूं, आप शांति रखोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहां के सब नौजवान समझदार हैं। मैं कल मीडिया में देख रहा था कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी सेना में वही लोग जाते हैं जिन्हें दो वक्त खाना नहीं मिलता। ये कैसी सोच है कुमार स्वामी जी? आप ये कहकर नहीं बच सकते कि आपके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। अब वहां है, खड़े रहने दो, अभी परेशान मत करो उनको। नोड़ी आ भागदे दयविट्टु यार गलाटे बाडबारदु। कई जोर से आप ये कहकर नहीं बच सकते। आप ये प्रीति आगे अभिनंदन सल्सिदरे निम कई मुगिदिनप्प यारु घोषणे कूगबेडे अवर मातन केळि दयविट्टु दयविट्टु यारु घोषणे कूगबेडे दयविट्टु यारु घोषणे कूगबेडे। आप जो मुझे देख नहीं पा रहे हैं उनसे मेरी प्रार्थना है, मेरी आवाज सुन लीजिए। मैं बाद में फिर सामने आकर के आपको प्रणाम कर दूंगा। आप ये कहकर नहीं बच सकते कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला। आपने वही कहा है जो आपके दिल में है। देश की सेना का इतना बड़ा अपमान, भाइयों बहनों, मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या यहां के मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि जिनको दो टाइम खाना नहीं मिलता है वो सेना में जाता है? क्या ये हमारे वीर सैनिकों का अपमान है कि नहीं है? हमारे सुरक्षा बलों का अपमान है कि नहीं? ये इनको शोभा देता है क्या? क्या इससे वोट मांगोगे क्या? जो देश की सेवा के लिए जाते हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए कुछ भी गुजरते हैं, कुछ भी कर गुजरते हैं, अरे शून्य से भी 40-45 डिग्री कम तापमान में बर्फी हवालों में हवाओं को सहते हैं, रेगिस्तान में 50 डिग्री तापमान में जो जलते हुए सूरज को बर्दाश्त करते हैं, जो महीनों महीनों तक समंदर में तिरंगा लिए दुश्मनों को भटकने नहीं देते, उनके लिए ऐसे शब्द, ऐसी सोच, अरे डूब मरो देश की सेना का अपमान करने वाले। भाइयों और बहनों, देश के वीर सपूतों का तप, उनकी तपस्या ये लोग कभी नहीं समझ सकते। यही लोग हैं सोना का चमच लेकर के पैदा हुए हैं। तीन तीन पीढ़ी से सत्ता संभाल करके बैठे हुए लोग देश के गरीब की, उसका सम्मान, उसकी इज्जत ये समझ नहीं सकते। भाई और बहनों, यही सोच है जिसकी वजह से जेडीएस, कांग्रेस और इनके महामिलावटी दल हमारे देश की सुरक्षा को कोई महत्व नहीं देते।
यही सोच है जिसकी वजह से इनके हर रक्षा सौदे में कोई न कोई घोटाला होता रहा। यही सोच है जिसकी वजह से हमारे जवानों को ये खराब क्वालिटी के हथियार मुहैया कराते हैं। यही सोच है जिसकी वजह से हमारे वीरों को सीमा पर जरूरी सुविधाएं नहीं दी जाती। यही सोच है जिसकी वजह से बुलेट प्रूफ जैकेट तक देने में इन लोगों ने आनाकानी की। बरसों तक बुलेट प्रूफ जैकेट की मांग को ये लोग अनसुना करते रहे।